हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर का जो अभी एग्जाम में होने वाला है उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो में एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज़ मीटर स्क्वेयर पर आवर मीटर स्क्वेयर पर आवर डिग्री सेंटीग्रेड किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आवर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड तो देखिए थर्मल डिफ्यूजिटिवी के बारे में बोल रहा है तो इसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है तो मीटर स्क्वायर पर आवर होता है तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बात आ रही है आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी को तो इसको किससे अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होगा तो इसको हम बोलते हैं हीट कंडक्टेड बटे हीट स्टोर्ड यानी कि के बतें रोज स्वीपी ये आपका इसका इस फॉर्म में भी अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर आपका के इज इक्वल टू क्या होता है तो मटेरियल की कंडक्टिविटी है और रो जो है आपका डेंसिटी

तो देखिए बेसिकली काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है तो सबसे पहले हम पैरलर फ्लो उसके बाद में काउंटर फ्लो के बारे में पढ़ते हैं तो पैरलर फ्लो में जो आपका बेसिकली जो बीच में जो फ्लो ये आपको पाइपलाइन होता है वो लाइन में जो आपका डायरेक्शन होता है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है यानी कि आपका जो फ्लूट डायरेक्शन इसमें है वही आपका इसमें भी रहेगा पर काउंटर फ्लो में क्या होता है इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है अगर आपका फ्लूट का डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन जो है आपका वो अपोजिट साइड रहेगा अपोजिट साइड रहने की वजह से इसको हम काउंटर फ्लो बोलते हैं और पैरलर फ्लो में क्या होता है तो डायरेक्शन जो है दोनों का सेम होता है तो अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है अपोजिट में है तो एक क्या रहेगा तो दोनों का जो फ्लूड है जो इनलेट में वो हॉटेस्ट स्टेट में रहेगा तो बी आपका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फोर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज वैलिड फॉर वन डायमेंशनल केसेस ओनली टू डायमेंशनल केसेस ओनली थ्री डायमेंशनल केसेस ओनली या फिर इरेगुलर सर्फेसेस तो देखिए फोर ईयर्स ला क्या होता है तो देखिए आपका फोर ईयर्स ला यहाँ पे दिया हुआ है कंडक्शन रेट इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे तो फोर ईयर्स ला जो होता है आपका रो एक्स इज्कवल टू तो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स ये आपका इक्वेशन भी आप इसको याद रख सकते हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे और ये फोर ईयर्स ला ठीक है तो ये किसके लिए होता है तो ये आपका होता है आपका ओनली फॉर वन डायमेंशनल केसेस ओनली आपका एक डायमेंशनल का जब कोई भी केसेस रहेगा तो वहाँ पर आपका फोर ईयर्स ला ऑफ हीट कंडक्शन जो है वो वैलिड होता है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ऑल रेडिएशन इन अ ब्लैक बॉडी आर रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड ट्रांसमिटेड या फिर एब्जॉर्ब तो ऑल रेडिएशन इन अ ब्लैक बॉडी तो ब्लैक बॉडी क्या होता है तो देखिए ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या काम करता है तो इसके ऊपर में जितने भी रेडिएशन आते हैं किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हों वो उसको क्या करेगा तो ब्लैक बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेता है तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बात आ रही है आपकी ट्रांसमिट करने की या रिफ्लेक्ट करने की तो जब वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा वाइट बॉडी तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा एब्जॉर्ब कर लेगा इसीलिए उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ अ वेब फॉर मैक्सिमम एमेसिव पावर इज गिवन बाई वीन्स ला प्लांक्स ला स्टीफनस ला या फिर किर्च ला तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू जब कभी भी आपका मैगजिमम एमएसिव पावर जब बात करेगा किसी भी वेवलेंथ के लिए तो मैगजिमम एमएसिव पावर जो है वो आपका विंसला के लिए लगता है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा तो वेवलेंथ फॉर द पीक ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व गिव्स अ मेजर ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट ये वाला आता है यहाँ पर आपका विंसला लगेगा ये उसका कर्व है अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ आइडियल रेडिएटर्स एमिट रेडिएशन एनर्जी एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द एब्सोलूट टेम्परेचर स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर फोर्थ पावर ऑफ़ एब्सोलूट टेम्परेचर या फिर फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर जब कभी भी हम स्टीफन बोल्डसमैन लॉ के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर का जो पावर है वो फोर होता है ठीक है पर वो टेम्परेचर का पावर किसका होता है फोर कौन सा होता है फोर्थ पावर ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर होता है या फिर आपका एप्सोलूट टेम्परेचर होता है तो इन दोनों में क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो स्टूडेंट होते हैं तो आपको क्या करना है याद रखना है स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ जो है वो जब कभी भी टेम्परेचर की बात होती है तो वो आपका एब्सोलूट टेम्परेचर की बात होती है तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें दिया है आपका पावर रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका इमिसिविटी इंटू स्टीफन बोर्ड्समैन कॉन्स्टेंट है ये उसके बाद में एट आपका एरिया है उसके बाद में टेम्परेचर का टेम्परेचर जो है आपका कैलविन में रहेगा पावर फोर पावर फोर आपको रहता है ये तो कॉमन है इसको आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट अप वेशर ऑफ द लिक्विड फ्लूड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट बोयंसी सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर मेटा सेंटर तो रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर को क्या बोलेंगे जो कि ऊपर की तरफ लगता है तो ऊपर की तरफ जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बॉयंसी बोलते हैं ठीक है थीके? ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा बॉयंसी का इसमें क्या होता है जब कभी भी कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूड के अंदर में मर्ज करते हैं तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से जब ये नीचे की तरफ जाता है तो फ्लूड के अंदर में एक फोर्स होता है जो बॉइंट फोर्स होता है जो उसको ऊपर की तरफ ढकेलता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं उसे ही हम बॉयंसी बोलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पॉइज़ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन कैपिलिटी विस्कोसिटी या फिर बॉयसी तो पॉइज़ जो है वो किसकी यूनिट होती है तो पॉइज़ जो है इज द यूनिट ऑफ है बेसिकली विस्कोसिटी की तो सी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है कि मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर या द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ़ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बॉयसी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ़ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर सेंटर ऑफ बॉयसी एंड मेटा सेंटर तो मेटा सेंट्रिक हाइट कैसे निकालते हैं तो देखिए मेटासेंट्रिक हाइट में क्या होता है ऊपर में आपका मेटा सेंटर रहता है बीच में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है और नीचे आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी रहता है तो मेटासेंट्रिक हाइट जो आपका वो मेटा सेंटर से रहेगा ठीक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी एंड से मेटा सेंटर से ठीक है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा यानी कि जी टू एम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विद द विस्कोसिटी या विस्कस या अनविस्कस फ्लूट्स कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूड्स या कंजर्वेशन ऑफ मॉस या फिर स्टेडी या अनस्टडी फ्लो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ठीक है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है रो ए वन वी वन इज इक्वल टू रो ए टू वी टू यहाँ पर रो की वैल्यू क्या दिया है रो जो होता है आपका डेंसिटी होता है ठीक है अगर आपका दोनों फ्लूड जो है इनकम्प्रेसिबल है इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से क्या होगा जब आपका इनकम्प्रेसिबल रहेगा तो रो जो है आपका वो कॉन्स्टेंट रहेगा यानी कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा उस केस में क्या हो जाएगा तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू हो जाएगा जब वो फ्लूड कांस्टेंट है ठीक है याद रखिएगा जब आपका फ्लूड जो है वो कंप्रेसिबल है यानी कि जब उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं तो रो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रो वन अलग रहेगा रो टू अलग रहेगा दोनों अलग अलग सेक्शन में सेक्शन वन सेक्शन टू में अलग अलग डेंसिटी रहेगा तो उस केस में आपका रो वन A1, V1 रो टु ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू रहेगा ये आपका क्या होगा ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोट के लिए ए वन इजक्वल टू ए वन वी वन रोटी ये आपका ये पूरा डेफिनेशन देख लीजिए और ये आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ़ मास के लिए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कंटिन के क्वेश्चन जब कभी भी पूछेगा तो सीधे आप कंजर्वेशन ऑफ मास टिक कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को ज़रूर लाइक करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद